देखिए रेजिस्टेंस के, प्योर रेजिस्टेंस के कुछ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, थोड़े से बहुत, थोड़े कुछ बहुत ही पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक, इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, इस तरीके का हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब है जो कि एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। कैसे प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है? इस तरीके से, किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, यूं, ठीक है। अब इस क्यूब की, जो ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की हर साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऑल साइड्स हैव रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो इसके कोई भी दो आर्बिट्रेरी एंड लिए इन्होंने, ठीक है, एक तो एंड ये, ठीक है, और दूसरा एंड है ये वाला, डायगनली ऑपोजिट, ठीक है। तो इन दोनों एंड्स के बीच में, इसके और इस एंड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, यानी कि अगर मैं यहां से और इस वाले एंड के बीच में, यानी कि अगर यहां से करंट आए और यहां से निकल जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे बताना है। क्लियर? तो मुझे पॉइंट, यहां पे कुछ पॉइंट्स मुझे डालने पड़ेंगे इनके। मान लीजिए ये है पॉइंट वन और ये है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो इसने पूछा है आर बताइए इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, अगर हर क्यूब की साइड, क्यूब की हर साइड का रेजिस्टेंस आर है, ठीक। मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक, वो देखिए। देखिए पॉइंट वन से करंट एंटर होनी है और पॉइंट एट से निकलनी है, तो 1 और 8 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए 1 और 8 के बीच में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि करंट पास हो, करंट पास हो या ना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे उसमें से करंट पास हो या ना हो, ठीक। अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, देखिए, देखिए अगर यहां से देखा जाए तो यहां से जो करंट आएगी वो पहले इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी, 3 डिफरेंट साइड्स में जाएगी। पॉइंट टू पे जाते ही करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से ये करंट 1 रेजिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर ये वाली करंट 1 रेजिस्टेंस पार करेगी, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, यूं, ऐसे यहां पे, क्लियर। अब आप ये देखो, ये वाली करंट यहां से आएगी और ये यहां से आएगी, कंबाइंड होके इधर पहुंच जाएंगी। फिर ये वाली करंट यहां से आएगी और ये वाली करंट यहां से आएगी, कंबाइंड होके इधर पहुंच जाएंगी। और ये वाली करंट यहां से आएगी, ठीक है ना, इधर से, ये वाली करंट इधर से, कंबाइंड होके इधर पहुंच जाएगी और तीनों करंट वापस 8 पे इकट्ठा होके करंट वापस आई हो जाएगी और यहां से निकल आएगी। अब इसके इक्विवेलेंट दूसरा डायग्राम क्या होगा वो देखना है। देखिए मुझे इसको
इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि मुझे इलेक्ट्रिकल सिंबॉलिक फॉर्म में काम आए, ठीक। हर रेजिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट वन है, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट वन। पॉइंट वन से करंट तीन जगह जा रही है, ठीक है ना। पॉइंट वन से करंट यहां पे तीन जगह पे जा रही है, किन किन पॉइंट्स पे जा रही है, पॉइंट टू पे, थ्री पे और फोर पे। ये वाला पॉइंट टू है, ये वाला पॉइंट थ्री है और ये वाला पॉइंट फोर है, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो ये पॉइंट वन टू और थ्री है, इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट टू, ये वाला थ्री और ये वाला फोर। अब पॉइंट टू से करंट फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, सिक्स और सेवन। तो पॉइंट टू से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, कौन कौन से में, ठीक है। ये जा रही है पॉइंट सिक्स पे और सेवन पे। फिर पॉइंट थ्री से भी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एट एंड फोर, पॉइंट टू वन टू। देखिए वन टू टू जाती है, वन टू फाइव, ये थ्री नहीं है, दिस इज फाइव, पॉइंट फाइव और ये पॉइंट टू और ये वाला पॉइंट फोर है। तो पॉइंट फाइव पे जो करंट जाती है, देखिए टू वाली करंट सिक्स पे जा रही है और थ्री पे जा रही है। यहां से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट वन है, पॉइंट से एक करंट पॉइंट टू पे जा रही है, पॉइंट वन से पॉइंट टू पे जा रही है, फिर पॉइंट वन से फाइव पे जा रही है, पॉइंट वन से फाइव पे जा रही है, फिर पॉइंट वन से फोर पे जा रही है, पॉइंट वन से फोर पे जा रही है। अब टू फाइव और फोर तक जाते जाते एक एक रेजिस्टेंस बीच में आ जाता है, तो एक रेजिस्टेंस ये आ गया आर, एक रेजिस्टेंस ये आ गया आर और एक रेजिस्टेंस ये आ गया आर। अब पॉइंट टू पे पहुंच के सिक्स और थ्री पे पहुंचती है, फिर पॉइंट फाइव पे पहुंच के सिक्स और सेवन पे पहुंचती है, और फिर पॉइंट फोर पे पहुंच के थ्री और सेवन पे पहुंचती है। तो देखिए इस डायग्राम को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहां पे पॉइंट फाइव से करंट निकलती है और फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। पॉइंट फाइव से निकलने के बाद पॉइंट सिक्स आ जाता है, ठीक है, सिक्स और पॉइंट इसके बाद आ जाता है सेवन, ठीक। फिर आर से निकलने के बाद फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, पॉइंट फोर से निकलने के बाद एक पॉइंट सेवन आ जाता है और दूसरा पॉइंट थ्री आ जाता है। अब आप देखिए यहां पे ये वाला पॉइंट, ये सिक्स है, ये भी सिक्स है, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम है, दिस इज पॉइंट सिक्स, ये पॉइंट थ्री है और ये वाला पॉइंट भी थ्री है, ये वाला पॉइंट थ्री हो गया, ये वाला सेवन है और ये वाला भी सेवन है, तो ये वाला पॉइंट सेवन हो गया। तो अब हम पॉइंट सिक्स पे पहुंच गए, पॉइंट थ्री पे पहुंच गए और पॉइंट सेवन पे पहुंच गए। अब यहां से एक एक रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है, यूं, और कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है, एट पे। तो ये वाले पॉइंट है सब एट, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, एट। अब आप खुद देखिए ये वाले पॉइंट, ये वाला क्यूब मैंने इस तरीके की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला क्यूब अगर मैंने इस तरीके की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, तो आप ये देखो सिमेट्री से, ठीक है ना, सिमेट्री, देखिए सिमेट्री बहुत ही क्रूशियल होती है, बहुत लॉजिकल होती है। आपको सिमेट्री से देखना है कि पॉइंट टू फाइव एंड फोर सेम पोटेंशियल पे होंगे, पॉइंट टू फाइव एंड फोर सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि पॉइंट वन से निकलने के बाद तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, पॉइंट टू फाइव एंड फोर आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड ऑन
सेम पोटेंशियल, बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे, और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं हम उनको मिला सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे इसको मिला सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो सेम पोटेंशियल पे कौन कौन से पॉइंट हैं? 2, 5 एंड 4, और यहां पे देखिए 6, 3 और 7 एंड 6, 3 एंड 7, ये तीन पॉइंट और ये तीन पॉइंट सेम पोटेंशियल पे इनको हम मिला सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को ऐसे करके मीट करा दिया, इन वाले पॉइंट्स को अगर ऐसे करके मैंने मीट करा दिया तो यही का यही डायग्राम, ठीक है ना, यहां पे यही का यही डायग्राम किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो देखिएगा। ये पूरा डायग्राम कैसे कन्वर्ट होता है, पॉइंट वन, ये रहा पॉइंट वन, ठीक है। ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस नहीं है, ये ऐसे करंट फ्लो होके आती है यूं, ठीक है। तो ये करंट फ्लो होके आ रही है ऐसे, यहां पे पॉइंट वन है, पॉइंट वन के बाद मुझे तीन रेजिस्टेंस मिलते हैं, ऐसे। अब ये तीनों रेजिस्टेंस यहां जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 2, 5 एंड 4, इसके बाद यहां से 6 रेजिस्टेंसेस निकलते हैं, एक दो तीन चार पांच और 6 रेजिस्टेंस निकलते हैं, और ये 6 के 6 फिर एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, ठीक है ना। आपको दिख रहे होंगे 6 के 6 रेजिस्टेंस, लोअर वाला देखिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेजिस्टेंस ये कौन से हैं, ये वाले 6 रेजिस्टेंसेस हैं। उनके बाद ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा 6, 3 और 7, फिर यहां से फिर से 3 रेजिस्टेंस ऐसे निकलते हैं ऐसे, और ये तीनों कहां मिल जाते हैं, पॉइंट 8 पे, ठीक है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको देखिए, यहां पे पॉइंट वन आया, पॉइंट वन के बाद एक रेजिस्टेंस आता है ये, ठीक है, और फिर ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट 2, 5 एंड 4, उसके बाद एक रेजिस्टेंस और आता है ये, ठीक है। इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस आता है, ये कौन सा पॉइंट है, 6, 3 और 7, और उसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाता है 8। अब आप ये देखिए, अगर ये वाला रेजिस्टेंस सारे सेम है, सब रेजिस्टेंसेस सेम है, आर 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 एंड आर, ये भी रेजिस्टेंस क्या है, आर और आर। आप देखिए क्यूब को हमने कैसा बना दिया, फिर उसके बाद क्यूब की हालत ये हो गई, तो ये सब आर है, ठीक है, ये भी आर है। तो अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3, ये वाला हो जाएगा R/6 और ये अगेन R/3, ठीक है। तो पॉइंट वन के और इसके बीच में जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है 8 के बीच में, ठीक है, पॉइंट वन के और 8 के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, ठीक है ना, जो कि आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 5/6 R, तो ये आंसर आ जाएगा 5/6 R, ये आपका फाइनल आंसर निकलता है पॉइंट वन और 8 के बीच में। इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्यूब लिया, क्यूब के हर साइड का रेजिस्टेंस है R, क्यूब को हमने सिमेट्री से इस तरीके से कन्वर्ट किया। मेन लॉजिक क्या है, मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। यहां पे पॉइंट 2, 5 और 4 आइडेंटिकल है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1, और पॉइंट 6, 3 और 7 ये पॉइंट्स भी आइडेंटिकल है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 8। तो इधर इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा और इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा।
अब जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, या तो उन्हें सबको एक जगह मिला दो या फिर उनको अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में करंट का फ्लो तो होता ही नहीं है। आप उनको मिला भी दोगे तो भी करंट एक दूसरे में फ्लो नहीं होगी, वो तब भी इंडिपेंडेंट है। तो हम इन तीनों को मिला देते हैं और इन तीनों को भी मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो सर्किट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नीचे वालों में, ठीक है ना। अब ये तीनों इस तरीके से आ गई, ये 6 रेजिस्टेंसेज इस तरीके से आ गए, और ये 3 रेजिस्टेंसेज इस तरीके से आ गए, ठीक। इन तीनों को मिला के मैंने एक पॉइंट बना दिया, इन तीनों को मिला के मैंने एक पॉइंट बना दिया और ये आ गया। इसके बाद जो चीज कन्वर्ट होके आ गई वो ये वाली आ गई, उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद आके फाइनली हमारा आंसर ये हो गया। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं सेम टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं।